जब कोई अनजान चेहरा किसी बड़े इवेंट में शामिल होता है और लीडिंग करता है तो सभी के बीच ये जिज्ञासा जाग उठती है कि आखिर यह खिलाड़ी कौन है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर एकदम से कैसे आ गया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मिस्ट्री गर्ल के बारे में जो हैदराबाद की तरफ से आईपीएल ऑक्शन में बोली लगा रही थी खिलाड़ियों पर। गुरुवार को 19 दिसंबर को कोलकाता में नीलाम हुई। सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी रणनीति के हिसाब से खिलाड़ियों को अपनी टीम में बोली लगाकर शामिल किया। इसी ऑक्शन के दौरान हैदराबाद की टेबल पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी जो अपनी टीम की ओर से खिलाड़ियों पर बोली लगा रही थी। ये लड़की सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लोग इस लड़की के बारे में खूब सर्च भी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वह कौन है। हैदराबाद की टेबल पर बैठी लड़की आईपीएल ऑक्शन के दौरान भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। ऑक्शन में हैदराबाद के लिए बोली लगाने वाली लड़की का नाम काव्या मारन है। काव्या सनराइज हैदराबाद की मालिक कलानिधि मारन की बेटी है। वह सनराइज हैदराबाद के मैच के दौरान भी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आती रहती है। कलानिधि सन टेलीविजन नेटवर्क के मालिक है और काव्या इस समय अपने पिता का बिजनेस संभाल रही है। काव्या उन क्रिकेट फैंस में से है जो हर मैच में स्टेडियम में देखा जाता है। आईपीएल 2020 की नीलामी में हैदराबाद ने किसी भी बड़े खिलाड़ी पर दांव तो नहीं लगाया। डेविड वार्नर की कप्तानी में एक बार आईपीएल खिताब जीत चुकी हैदराबाद की टीम केन विलियमसन की कप्तानी में एक बार खिताब जीतने के लिए इस बार फिर से मैदान पर उतरेगी। हैदराबाद ने आईपीएल में नीलामी में दो विदेशी खिलाड़ी समेत कुल 7 खिलाड़ी खरीदे जिनमें विराट सिंह, प्रियमगर, मिचेल मार्श, संदीप बांका और फेबियन एलन और अब्दुल अहमद संजय यादव का नाम शामिल है। हैदराबाद ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। सनराइज के खाते में अब भी 10 करोड़ 10 लाख रुपए बचे हुए हैं जिन्हें वह मिड सीजन में ट्रांसफर के हिसाब से खर्च कर सकते हैं।